गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा बेटा मेरा? आवाज आ रहा है? ओके ओके ओके। बेटा रिवीजन क्लास है ये। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और अभी हम 10, 11, 12 एंड 13 चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके टेस्ट में आने वाले हैं जो अभी आपका मिड टर्म होगा। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बेटा रिवीजन के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो डिवीजन में बेटा हम दो टाइप की चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मतलब पॉलिनोमियल के बारे में, तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको कई टाइम्स बता रखा है कि पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा मोनोमियल, दो टर्म होंगे तो उनको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो माइनोमियल से डिवीजन करना और दूसरा हम बाइनोमियल से। बाइनोमियल्स मतलब के एक से यानी दो टर्म होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे 3x² है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी अगर मान लो दो टर्म में इसमें ऐड कर दूँ 2x + 5x³, तो ये इसमें क्या आ गया? दो टर्म हो गए, दो टर्म हो गए तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक बेटा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं पहले तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कुछ थ्योरी नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पॉलिनोमियल में फिर से पढ़ाना पड़े, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह ये सारा चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, टू द पॉइंट आते हैं और सीधा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल ऐसे ले लो, आप मोनोमियल से डिवीजन करना है तो 15p² में डिवाइड करना है हमें 5p से। तो बेटा हम कैसे करेंगे? देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15p² / 5p। 5 से डिवाइड कर दो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 3p², इसको ऊपर लेके आऊंगा बेटा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब दोनों का बेस क्या है बेटा? पी है, यानी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो एक निगेटिव है तो निगेटिव में ऐड हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? 3p ओनली। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि p को एक पावर मैंने कैंसिल आउट कर दी, या फिर डिवीजन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5p डिवाइजर है और डिविडेंड कितना है? 15p². अब देखो कितने टाइम से जाएगा बेटा, अगर मैं देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 हो जाए, तो आंसर है बेटा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा। अब पी में किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा? p² हो जाए तो पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जब मैं मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15p². जैसे मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या बेटा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो फुली क्या हो जाएगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ से भी कितना आंसर आ जाएगा? जो हमारा कोशियंट है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। क्लियर बेटा, इसमें किसी को डाउट है? तो बेटा प्रैक्टिस सेट ओपन कर लो 10.1। प्रैक्टिस सेट 10.1 ओपन कर लो जल्दी से।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10.1 ओपन कर लो। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर वन करो, क्वेश्चन नंबर वन करो बेटा जल्दी से। 2m² को हमें डिवाइड करना बेटा 7m से, चाहे तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, 2m डिवाइड बाई 7। ठीक है, चलो ये तो हमारा एक ऐसा मेथड था जो हम कर सकते थे, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें बतानी, कोशेंट भी बताना है और रिमाइंडर भी बताना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, कि 7m से डिवाइड करना है हमें, तो हम ऐसे करेंगे 2m² 2m² तो बेटा अभी देखो, अगर मैं m को एम स्क्वायर बनाऊं तो बेटा कैसे बनाऊंगा, मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 7 को बेटा मुझे 2 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 बाई 7 से, 2 बाई 7 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो 2 बाई 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 बाई 7 लिख दो, 2 बाई 7 है, इनका मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m² मिल जाएगा, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 2m/7। ठीक है, सॉरी, हाँ ये कोशियंट होगा, ये हमारा क्या होगा, कोशियंट होगा। ठीक है, रिमाइंडर की बात करें बेटा इस वाले केस में रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे आया ही नहीं ना, फुली कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ओ सॉरी, ओके ओके बेटा, पहले ही बता दी होते कि 21 है, चलो रॉन्ग, कोई नहीं, क्वेश्चन आप ऐसे समझ लो कि यही क्वेश्चन है। चलो तो 21m² को हमें डिवाइड करना है 7m से, कर दो बेटा डिवाइड, 7m से हम डिवाइड करेंगे बेटा, प्रॉपर वे में आपको सॉल्व करने हैं, नहीं मार्क्स नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। हाँ, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ, 21 बन जाए 3 से, और m को किससे मल्टीप्लाई करूँ, m² बन जाए m से, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21m², तो ये माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे कोशियंट कितना आ गया, कोशियंट कितना आ गया बेटा, कोशियंट आ गया हमारा 3m, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। क्लियर है सबको, कोई डाउट है बेटा इसमें, कोई डाउट है नहीं, चलो थर्ड कर लो बेटा जल्दी से, थर्ड करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो उसी का। क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। सिक्सटीन अपॉन 3p² ठीक है, चलेगा। किसी को डाउट है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे सॉल्व करना है क्या, सॉल्व करके बताना है क्या मुझे, चलो -9p² से हमें डिवाइड करना है बेटा किसको, -48p^4।
तो देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो कि मैं पी रेस टू फोर कैसे बना सकता हूँ। पी रेस टू फोर बनाने के लिए पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस तो माइनस है ही, मुझे 9 को 48 बनाना है। 9 को 48 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा, ये मेरा 48 बन जाए। तो मैं बोलूँगा बेटा कि 48 डिवाइड बाई 9 कर दो, या फिर कैंसिल आउट करना है तो इसको मैं कर सकता हूँ 16/3। तो 16/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 16 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी कितना आ जाएगा ये माइनस के 48 P^4, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोशियंट कितना आ गया बेटा, कोशियंट आ गया 16/3 P^2, और रिमाइंडर कितना बेटा, 0। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो बेटा। एक्स स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है किसको, 5x³ माइनस ऑफ 3x², 5x³ माइनस ऑफ 3x² को डिवाइड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम इसके नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5x³, ये एज इट रहेगा, माइनस साइन होते ये कैंसिल हो गया। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी, कितना, माइनस के 3x², ठीक है? अभी देखो, अभी कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो -3 से, तो यहाँ -3 लिखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3x² प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशियंट कितना आ जाएगा, कोशियंट हमें मिल जाएगा बेटा कितना, 5x-3, एंड रिमाइंडर विल बी 0। एनी प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई भी डाउट है? चलो सिमिलर क्वेश्चन बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। जल्दी से आंसर बताओ मुझे, हाउ टू सॉल्व व्हेन साइन आर डिफरेंट। बेटा सेम साइन ही लेना है, सेम साइन लेंगे तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करने पे बेटा वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिफरेंट साइन तो रखना ही नहीं है, अगर डिफरेंट साइन बन रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ले लो, कोशिएंट में माइनस और ले लो साथ में। चलो एक आंसर आ गया बेटा, 4p-2, 4p-2। यस सर, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मैच कराओ। सबसे पहले जो कॉपी से यानी कॉन्स्टेंट टर्म है उनको मैच कराओ। तो 2 को 8 बनाना है मुझे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पी को PQ बनाना है तो पी से, तो कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8PQ। हमें ध्यान रखना है कि इसका जो साइन है ना यहाँ पे, वो भी साइन यहाँ पे होना चाहिए, सेम साइन ही होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे कोशिएंट में नेगेटिव ले लो कर। तो ये अभी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये एडिटिव आ जाएगा, कितना, -P^2
स्क्वायर माइनस के 4p स्क्वायर। अभी बेटा अभी मुझे क्या बनाना है, इसको 4 बनाना है, तो मैं बोलूंगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस 2 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4p स्क्वायर मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे कोशियंट जो हमें मिलता है बेटा वो कितना मिल जाएगा हमें, 4p माइनस 2, और रिमाइंडर विल बी कितना बेटा, 0। क्लियर है? क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? चलो क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप ऐसे ही ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बेटा कितना, 6x रेज टू 5, सॉरी पहले वो लिख लेते हैं हम डिवाइजर। हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, किसको डिवाइड करना है बेटा, 6x रेज टू 6 माइनस सॉरी 5 5 5 5। माइनस ऑफ 4x रेज टू 4 प्लस 8x रेज टू 3 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है? इसमें हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। सेम फंडा बेटा यहाँ भी लगेगा, थोड़ा बस लेंदी होगा। अभी हमें इससे मैच कराना है, तो बेटा इससे मैच कराने के लिए देखो स्क्वायर से क्यूब ये 5 बनाना है, तो x रेज टू क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बन जाएगा बेटा, 6x रेज टू 5, ठीक है? तो ये माइनस साइन होते ही कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट नीचे आ जाएगी, तो कितना मिल जाएगा हमें माइनस, ये पूरी ही वैल्यू मिलेगी हमें -4x रेज टू 4 प्लस 8x3 प्लस 2x2 2x2, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 हो जाएगा बेटा, और मुझे x स्क्वायर से कितना चाहिए, x रेज टू 4 चाहिए, तो x रेज टू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा, x रेज टू 4। तो अभी दोनों का साइन चेंज है, नेगेटिव करने पे ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमें कितना मिल जाएगा, 8x3 प्लस 2x2, ठीक है? अब क्या करना है मुझे, अब देखो 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और x3 बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x3 नेगेटिव करने पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 2x2 2x2। अब क्या 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जा रहा है, तो प्लस प्लस 1, तो यही एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, 2x2 आ जाएगा, और 0 हो जाएगा। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको, कोई डाउट है बेटा इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो, सिमिलर है बेटा, ऐसे ही कर लेना उसको, होमवर्क में कर लेना, रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल
बाई ए बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल से अब हमें डिवाइड करना है। तो देखो एक एग्जांपल है, क्या है, एक्स प्लस टू से हमें डिवाइड करना है। एक्स प्लस टू से डिवाइड करना बेटा हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को। अब देखो हम देख रहे हैं कि डिवाइजर जो है ना वो हमारा एक्स प्लस टू है। अभी तक हमारा मोनोमियल पोलिनोमियल था, मतलब सिंगल टर्म से हम डिवाइड कर रहे थे। अभी क्या करना, हमें दो टर्म रहेंगे, ठीक है ना। तो फंडा हमारा सेम होगा, फंडा क्या होगा, बस हमें ये पहला वाला पार्ट क्या करना है, मैच कराना है, ठीक है। सेकंड वाले में हमें टोटली मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि एक्स में मल्टीप्लाई करें, पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है हमको, पूरे ही टर्म में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो अभी देखो एक्स का किससे मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो ये हमारा होगा एक्स, ठीक है, ये हमारा एक्स होगा। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके पूरा एजेटिव यहाँ पे लिखना है। तो एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस टू के साथ में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा बेटा, 2x मिलेगा। अब क्या करना है, सेम काम, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये को माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 4x माइनस 2x, कितना, 2x, और ये 4 एजेटिक आ जाएगा। अभी देखो इनको मैच कराओ कि अभी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x बन जाए x, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का बेटा पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा मुझे, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये माइनस ये माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया, समझ में आया बेटा। ये रिवाइज कर रहे हैं बेटा हम, इसीलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। सब ऑलरेडी आपने दो दो तीन तीन बार पढ़ रखा है, तो इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। रिवीजन नहीं होता तो थोड़ा स्लो चलते। आपको बस सारी चीजें मुझे रिमाइंड करानी है कि ऐसे ऐसे सारी चीजें होती हैं। चलो प्रैक्टिस सेट ओपन कर लो बेटा। प्रैक्टिस सेट 10.2, 10.2 ओपन कर लो जल्दी से। प्रैक्टिस सेट 10.2 ओपन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन करो, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करना है हमें। मींस डिवाइजर हमारा कितना बेटा, बाई प्लस फोर, बाई प्लस फोर का हमें डिवीजन करना है, किसमें, डिविडेंड कितना है, बाई स्क्वायर प्लस 10 बाई, ठीक है, प्लस 24। तो बेटा सेम फंडा लगाएंगे हम। देखो अभी हमें क्या करना है, बाई को बाई से मैच कराना है। तो किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा, हमें बाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब बाई का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करना है हमें, बाई प्लस फोर में, तो कितना मिल जाएगा हमें, बाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। तो माइनस करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना मिल जाएगा मुझे, 6y, और ये एजेटिक आ जाएगा प्लस के 24। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6y बन जाए तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 6y प्लस 24, ठीक है। तो माइनस करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बी 0। तो कोशियंट कितना आ जाएगा बेटा, कोशियंट विल बी y प्लस 6, ठीक है, एंड रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें?
चलो जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, 3 क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा इसको सीक्वेंस में ना, जो पावर है ना, पावर के सीक्वेंस में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है ना। इसको तो देखो, ये हमारा क्या है, एक्स माइनस फोर है, डिवाइजर हमारा कितना, एक्स माइनस फोर, डिविडेंड की बात करें तो इसको आप डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखना चाहिए हमेशा। तो 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x, ठीक है। अब सेम फंडा हमें यूज करना है बेटा, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किए थे। अभी किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 4x³ बन जाए बेटा, तो 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4x³ मिल जाएगा। इसका इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16x² मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस के 16x². अब सबट्रैक्ट कर दो तो ये साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 + 2 कितना, 18x², और ये एडजेक्टिव नीचे आ जाएगा प्लस 3x। अभी देखो मुझे क्या करना है, इसको 18x² बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्लस के 18x से। तो 18x² माइनस ऑफ 4 में भी तो करना पड़ेगा, तो 72x, 72x। तो अभी सबट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, अभी कितना मिल जाएगा बेटा हमें, 75x, 75x मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अभी देखो कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, देखो 75x माइनस ऑफ 75 × 3, 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 300, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 300। तो कोशियंट कितना आ गया बेटा यहाँ पे, कोशियंट कितना आ गया बेटा, कोशियंट आ गया 4x² प्लस 18x प्लस 75, ठीक है। और रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर की बात करें तो 300 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना, 300 आ जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर आप 5 ट्राई करो, 5 क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा, बेटा आदित्य अवेलेबल हो बेटा आप, आदित्य बेटा माइक ओपन करो अपना, आदित्य, अदरवाइज बेटा मैं यहां से आपको रिमूव कर सकता हूं। आदित्य बेटा माइक ओपन करो अपना, माइक ओपन करो, माइक ओपन करना नहीं आ रहा है क्या आपको, ये टाइम है बेटा क्लास में एंट्री करने का, मतलब मोर देन 50% टाइम हो गया तब आप क्लास में एंट्री कर रहे हो, मजाक चल रहा है ये,
जब मन करेगा तब हम आएंगे, जब मन करेगा तब हम चले जाएंगे। देखता हूँ मैं, दिग्विजय सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सॉरी बेटा, कुछ नहीं हो, मैंने माइक ओपन करने के लिए बोला, फिर भी आपने माइक ओपन नहीं किया। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा सबका। जल्दी से बताओ, अगर नहीं हुआ है तो डी लिखो, अगर हो गया है तो यस लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इसको भी ऐसे इसी फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिवाइड हमें करना है, हमें डिक्रीजिंग पावर में ही लिख के चलना है, ठीक है। एक्स रेस टू 4 आएगा पहले हमारा, देन हमारा क्या आएगा, एक्स रेस टू 3, देन माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस 12। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो देखो, एक्स फोर बनाना है, एक्स फोर बनाना है, एक्स रेस टू 4 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब देखो, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, एक्स क्यूब से तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों कैसे हैं बेटा, निगेटिव है, तो माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। अभी देखो, एक्स क्यूब की अगर हम बात करें तो प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा मुझे, माइनस के 5x स्क्वायर। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो एक निगेटिव है बेटा, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो कितना मिलेगा बेटा हमें, x मिलेगा, ठीक है। और माइनस के 12 ऑलरेडी है। चलो अभी देखो, अभी एक्स स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर कैसे मिलेगा, माइनस 5 से डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 5x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 10, तो ये प्लस माइनस करने पे, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया x, और ये कितना माइनस 2, क्योंकि 12 प्लस माइनस का है और 10 प्लस का है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हम पावर देखें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो अभी इतना टर्म तो है ही नहीं ना, यहाँ पे छोटा टर्म है, एक पावर वाला है। अगर डिवीजन में अगर हमारा एक्स होता और यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो हम एक बार और डिवाइड कर देते। तो इस वाले केस में बेटा हमारा जो कोशियंट है, कोशियंट है वो कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस 2। अब बताओ, मुझे किसी को डाउट है इसमें। सिमिलर क्वेश्चन जो अभी मैंने किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर क्वेश्चन 6 भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर क्वेश्चन है। चलो जल्दी से देख लेते हैं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आप डाउट तो पूछेंगे इसको, कितना भी करवा लो आपसे, आपको डाउट वही सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो ए क्यू माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है किसको, ए रेज टू 4 माइनस ऑफ ए क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस 1, ठीक है। चलो अभी देखो, ए क्यू से ए 4 बनाना है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ए रेज टू 4 माइनस ऑफ 2। तो बेटा हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ऑफ ए क्यू
माइनस ऑफ ए क्यूब ये कितना मिल जाएगा हमें, ये ऐड हो जाएगा प्लस थ्री, सॉरी प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा, देखो ये प्लस के टू ए है और ये माइनस का ए है, तो प्लस का ए प्लस का वन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, माइनस ए क्यूब बनाना है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस का टू, तो जैसे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर क्यों हो जाएगा बेटा, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, इसकी पावर से छोटा है, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो छोटे टर्म में डिवीजन नहीं होगा, तो इस वाले केस में कोशियंट कितना आ जाएगा, कोशियंट कितना आ जाएगा बेटा, ए माइनस वन। ठीक है, और रिमाइंडर की बात करूं बेटा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन। क्लियर है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लो बेटा जल्दी से, इसके साथ में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो जल्दी से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप जल्दी से ट्राई करो इसको। 4x 4 माइनस 5x क्यूब माइनस ऑफ 7x प्लस 1। सॉल्व हो गया बेटा ये क्वेश्चन, सॉल्व हो गया, रिमाइंडर और क्वेश्चन बताओ बेटा कितना आ रहा है, किसी को डाउट है बेटा इसमें, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये, किसी को डाउट है क्या, ओके गुड। इस चैप्टर में किसी को डाउट है, इस चैप्टर में बेटा किसी को डाउट है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आज का होमवर्क बेटा यही है, 10.1 और 10.2 फिर से सॉल्व करके सेट करना है, 10.1 10.2 दोनों फिर से सॉल्व करके सेट करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा जल्दी से। तो फिर सेशन यहीं पे फिनिश कर देते बेटा हम, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बेटा नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे स्टार्ट।